के लिए लसन के लिए भावांतर योजना का मर गई आपकी। ये लसन आपको खरीदना पड़ेगा, अन्यथा जैसा लसन फेंकना पड़ रहा है वैसा किसान आपको फेंक देंगे सत्ता से उखाड़ के। बस यही निवेदन है, खोलो भैया। राहुल गांधी एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं तो दूसरी तरफ अब कांग्रेस पार्टी ने देश भर में महंगाई को लेकर अलग ही विरोध चल रहा है। महंगाई, बेरोजगारी समेत तमाम समस्याओं को और देश भर में जो लगी आग, राहुल गांधी भारत यात्रा निकाल रहे हैं 150 दिनों की, 3500 किलोमीटर चल रहे हैं। लेकिन अब महंगाई को लेकर भी जगह जगह कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में किसानों को लहसुन की कम कीमत मिलने पर विधानसभा सत्र के पहले दिन लहसुन लेकर पहुंचे कांग्रेसी विधायकों ने अनोखा प्रदर्शन किया। सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कैसे बड़े पैमाने पर कांग्रेसी जो है वो लहसुन की कम कीमतों मिलने पर लहसुन लेकर ये कांग्रेसी कार्यकर्ता बोरे में पहुंचे हैं और इसको लेकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया है। ये तस्वीरें आपके सामने, देखिए क्या कुछ कहा कांग्रेसी। रुगाता है किसान की जो फसल की लागत है उससे 1% की कीमतें नहीं निकल रही। जो कांग्रेस जमाने में 15,000 रुपए कुंटल लसन बिका करती थी, आज 100 रुपए कुंटल भी नहीं बिक रही है। तो जब बात करने जाओ तो सदन के अंदर रोक दिया जाता है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि किसानों की बात को लेके सदन के अंदर विधायक चर्चा करे। हमारी मांग है, विधायक तो खरीद लिए, पार्षद खरीद लिए, पर सरकार इन लसन के सही दाम देके लसन को खरीदने का काम करे। बिल्कुल, ये मांग करते हुए कांग्रेस के विधायक हैं जो कुणाल चौधरी हैं बात कर रहे हैं। और लगातार ये देखिए एक बड़ी समस्या मध्य प्रदेश में लहसुन को लेकर है और लहसुन को लेकर किसको देख सकते हैं। और ये देखिए ठीक विधानसभा के गेट के सामने पड़ा हुआ लहसुन है, ये वही लहसुन है जो किसानों ने बड़ी मेहनत से बोया था और इसके दाम किसानों को महज 1 या 2 रुपए किलो तक ही मिल रहे हैं और किसान बड़े परेशान हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फूट के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम चाहे शीर्ष नेता विधायकों को देख सकते हैं। और ये देखिए ठीक विधानसभा के गेट के सामने पड़ा हुआ लहसुन है, ये वही लहसुन है जो किसानों ने बड़ी मेहनत से बोया था और इसके दाम किसानों को महज 1 या 2 रुपए किलो तक ही मिल रहे हैं और किसान बड़े परेशान हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम चाहे शीर्ष नेता हो चाहे प्रदेश के नेता हो, लगातार ये दावे किए जा रहे, बड़े बड़े मंचों से ये बात कही गई कि किसान की आय को 2022 तक दुगनी करने का काम किया जाएगा। आज जो परिस्थितियां निर्मित है, आज इनकी किसान विरोधी नीतियों के कारण हमारे किसान साथियों को अपनी उपज जो है सड़कों पर फेंकना पड़ रहा है, नालियों में फेंकना पड़ रहा है और लगातार हमारा जो किसान है इनकी नीतियों के कारण कर्ज के दलदल में फंसता जा रहा है। तो ये सरकार को आईना दिखाने के लिए, सरकार को जमीनी हकीकत दिखाने के लिए, सरकार जो कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है उसको की नींद से जगाने के लिए आज हमारा ये विरोध प्रदर्शन है और उस वादे को याद दिलाने का काम हम लोग हमारे इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने 2022 में किसानों की हमारे जो साथी हैं वो लगातार विशेष करके हमारे जो किसान साथी उनसे जुड़ी हुई जो भी समस्याएं होती हैं लगातार उसको उठाने का काम कर रहे हैं। लसन का जो मुद्दा था उसको भी प्रमुखता से उनने उठाने का काम करा है। मैं अपनी तरफ से जो है News24 के तमाम साथियों से को धन्यवाद देना चाहता हूं और यही प्रार्थना करता हूं कि मेरा जो किसान है, मेरा अन्नदाता है, उसकी जब जब वो संकट में हो, जब जब वो परेशानी में हो, आप ऐसे ही जो है अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह करें और उसकी आवाज़ को सत्ता में बैठे लोगों तक पहुंचाने का काम करें।